सो हेलो किसान भाइयों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सफल किसान पर फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रामदाने की उन्नतशील फसल। रामदाना 55,000 से 60,000 एक बीघे में कैसे इनकम कर सकते हैं, इसकी सटीक जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। जैसा कि आप जुताई के समय किन बातों का ध्यान देना है और जो बीज बोते हैं ये किस चीज़ में मिला के बोया जाता है, इसकी भी जानकारी आपको बताएंगे हम। उसके बाद जब ये पेड़ जब सिंचाई योग्य हो जाता है, सींचने के टाइम कौन कौन सी विधियों को अपनाया जाता है, उसके बाद जब बाली निकलना चालू हो जाता है तो किस स्प्रे का इसमें प्रयोग किया जाता है, उसके बाद अगर जब कटाई की बात की जाए तो किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कटाई की जाती है, इनकी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो को ज़रा सा भी स्किप न करें, इसलिए कि स्किप कर दोगे तो आपको सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पाएगी दोस्तों। आओ स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से ये खेती बुआई गई है। दो बार इसमें कल्टीमीटर की सहायता से जुताई कर दी गई है। जुताई करने के बाद इसमें पाटा लगा दिया गया है। पाटा लगाने के बाद इसमें 40 kg DAP डाल दी गई है। DAP डालने के बाद जो बीज था हमने इसमें पोटास में मिला के बोई की थी, इसलिए जब पोटास में आप मिलाओगे बीज को तो जो पोटास खेत में पड़ जाती है तो इसमें दाने में शाइनिंग अच्छी आती है, लाइट अच्छी आती है और खेत में बराबर नमी रहती है और बढ़िया हरा भरा खेत रहता है दोस्तों। अब उसके बाद अगर हम बात करें जुताई की, तो उसके बाद दो बार हम इसमें रोटावेटर की सहायता से जुताई कर देंगे, उसके बाद फिर से इसमें हम पाटा लगाएंगे। पाटा लगाने से खेत में नमी को हम बरकरार कर देते हैं और सूखने नहीं पाता है और जमाव अच्छा लेता है। जब इसमें पाटा लगा दो, पाटा लगाने के बाद इसमें क्यारियाँ बना दें। क्यारियाँ उस दिशा में होनी चाहिए जैसे कि आपका खेत जिस दिशा में खाली होना चाहिए उसी दिशा में क्यारियाँ होनी चाहिए, जिससे कि जब बारिश का पानी आपके खेत में भरे तो उसमें निकालने में जल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इसमें भराव हो जाता है जल का तो ये मर जाता है, इसमें प्रॉब्लम आने लगती है। अब हम बात करें अगर ये जल निकास की, तो अगर जल निकास की अच्छी सुविधा है तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है दोस्तों। अब हम बात करें कि जब ये इसमें सिंचाई करने के योग्य जब होता है, जब हम सिंचाई करेंगे, जब सिंचाई करने के टाइम जब आए इसकी सिंचाई करने के टाइम, तो इन बातों को ध्यान देना है। इसमें 40 kg यूरिया और 5 kg जिंक लगा दें और 2 kg सल्फर के साथ इसकी सिंचाई कर दें। ये सूखे में ही डाल देना है। सूखे में डालने के बाद इसमें पानी लगा देना है। पानी लगाने के टाइम दोस्तों इस चीज़ों को ध्यान देना है कि आपको पानी में से आना जाना नहीं है, आपको सूखे में से ही आना जाना है। इसलिए कि जब रामदाने की फसल के बगल से आओगे जाओगे तो वो उगड़ जाता है पेड़ और काफ़ी मात्रा में डैमेज हो जाता है, तो वो जब गड़बड़ हो जाता है पेड़ तो वो कभी भी वो स्वस्थ नहीं हो सकता है, इसका यही सिस्टम होता है। तो आप पानी जब लगा दें खेत में तो उसमें से आना जाना नहीं होना चाहिए। उसके बाद लगाने के बाद आपको दिखाना चाहते हैं जब इस स्टेप की आपकी फसल हो जाए। किसान भाइयों, जब इस स्टेप की आपकी फसल हो जाए, आप देख सकते हैं इसमें जो है ये देखो, इसमें बाली निकलना प्रोसेस चालू हुआ है। ये देखो, ये बाली बनना चालू हो गया है। जब आपकी इस स्टेप पे फसल आ जाए, जब आपकी ये इस स्टेप पे फसल आ जाए तो आप इसमें क्या करना है, इसमें देखना है कि इसमें नमी बरकरार है कि नहीं है। इस स्टेप पे नमी होना खेत में आवश्यक जरूरी होता है, क्योंकि इसमें बाली का प्रोसेस चल रहा है। अब बाली बनने के टाइम कौन सा स्प्रे डालते हैं, इसकी भी सटीक जानकारी आप देख लीजिए हमारे किसान भाइयों। जो ये बाली बनने का जो प्रोसेस है, जब आपका पेड़ से बाली 1 inch ऊपर निकल आए तब इसमें आप M45 का छिड़काव कर दीजिए। M45 MPK के साथ में डाल दें, छिड़काव कर दें। इसमें जब स्प्रे कर दोगे आप किसान भाइयों, स्प्रे करने के बाद इसकी बाली बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ लेंगी और बढ़िया खेत चलेगा आपका। जैसा कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, जब आपका खेत अच्छा ग्रोथ करेगा, बालियाँ जितनी बड़ी होंगी बस उतनी ही फसल आपकी उमदा होने वाली है, उतना ही आपका फसल अच्छा निकलेगा, उतना ही उससे इनकम कर पाएंगे। अब हम बात करें किसान भाइयों की, जब इसकी बालियाँ बड़ी बड़ी हो जाएं तो किन किन बातों को सावधानी के साथ देखना है। जब आपकी बालियाँ बड़ी बड़ी हो जाएं तो बाली बड़ी होने के टाइम इसमें एक रोग लगता है। रोग लगता है कि इसमें बालियाँ काली हो जाती हैं और इसमें दाना पड़ना बंद हो जाता है दोस्तों। तो उतनी टाइम आप कीटनाशक का प्रयोग जरूर करें। जब कीटनाशक का प्रयोग आप करोगे तो आपकी बालियाँ जो भी हैं वो स्वस्थ निकलेंगी, इसमें कोई कीट नहीं लगेगा और इसमें अच्छी मात्रा में दाना बनकर रेडी होगा। अब हम बात करते हैं किस कंडीशन में इसकी कटाई करनी चाहिए। जैसा कि किसान भाइयों, आपकी कंडीशन जैसे मैं बताना चाहता हूँ, बाली पीले कलर की हो जाएगी और पीले कलर के होने के साथ साथ जब आपको बाली हाथ में लोगे और हाथ में से मीसना नहीं है उसको, ऐसे करके जब ऐसे ऐसे हिलाओगे हाथ गादी पे तो उसमें दाने निकल के आने चालू हो जाएंगे।
जब दाने आपके निकल के आने चालू हो जाएं और आपकी फसल हरी से पीली हो जाए, जब आपकी फसल पीली हो जाए और जो इसका नीचे का तना होता है दोस्तों, इसका तना भी आपका पीला हो जाएगा, यह हरे से हल्का पीला हो जाएगा, तब इसकी कटिंग करते हैं किसान भाइयों। तब उसकी कटिंग करके इसको अच्छी मात्रा में सूख जाने दें। सूखने के बाद इसकी अच्छे से पिटाई कर दें या सेसरिंग कर दें। सेसरिंग करने के बाद जो इसका बीज निकले उसको आप संभाल के रख लें, उसको आप मार्केट में प्राइस कर सकते हैं, बेच सकते हैं और अच्छी कीमत कमा सकते हैं उससे किसान भाइयों। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है किसान भाइयों और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आगे से नए नए किसान भाइयों तक हमारी जानकारी पहुंचे और वो हमारी एक नई जानकारी के साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच किसान भाइयों।